और आप देख रहे हैं एसपीएम 9 न्यूज। अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस प्रतिवर्ष 9 दिसंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। 31 अक्टूबर 2003 को संयुक्त राष्ट्र ने एक भ्रष्टाचार निरोधी समझौता पारित किया था और तभी से यह दिवस मनाया जाता है। पूरे विश्व में एक समृद्ध मूल्याधारित समाज को बनाए रखने के लिए भ्रष्टाचार को खत्म करना इस दिन का मुख्य उद्देश्य है। इस दिन सम्मेलन, भाषण, रैलियां, प्रदर्शनियां, नाटक आदि कई गतिविधियां संयुक्त राष्ट्र और संबंधित सदस्य राज्यों के द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ने की भावना के साथ आयोजित की जाती है। तेजी से पांव पसार रहा भ्रष्टाचार किसी एक समाज, प्रांत या देश की समस्या नहीं है। इसने हर व्यक्ति, एक व्यवस्था को दूषित किया हुआ है। इसे रोकने के लिए प्रतीक्षा नहीं, प्रक्रिया आवश्यक है। सत्ता एक स्वार्थ ने भ्रष्टाचार मुक्ति को पूर्णता देने में नैतिक कार्य दिखाई है। इसकी वजह से लोगों में विश्वास इस कदर उठ गया है कि चौराहे पर खड़े आदमी को सही रास्ता दिखाने वाला भी झूठा सा, भ्रष्ट एवं अनैतिक लगता है। आंखें उस चेहरे पर सच्चाई की साझी ढूंढती हैं। भ्रष्टाचार एक गंभीर अपराध है जो सभी समाजों में नैतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास को कमजोर करता है। आज के समय में भ्रष्टाचार से कोई देश, क्षेत्र या समुदाय बचा हुआ नहीं है। ये दुनिया के सभी हिस्सों में फैल गया है, चाहे वो राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक हो, और साथ ही लोकतांत्रिक संस्थानों को भी कमजोर करता है। सरकारी अस्थिरता में योगदान देता है और आर्थिक विकास को भी धीमा कर देता है। तभी इस विकराल होती समस्या पर नियंत्रण पाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने भ्रष्टाचार निरोध दिवस को आयोजित करने का निश्चय किया था। लेकिन प्रश्न है कि आखिर भ्रष्टाचार है क्या? आसान शब्दों में कहें तो भ्रष्टाचार उन लोगों के द्वारा जिसमें पावर होती है, एक प्रकार का बेईमान या धोखेबाज आचरण को दर्शाता है। ये समाज की बनावट को भी खराब करता है कि लोगों से उनकी आजादी, स्वास्थ्य, धन और कभी कभी उनके जीवन को ही खत्म कर देता है। किसी ने सही कहा है कि भ्रष्टाचार एक मीठा जहर है। विश्व भर में हर साल खरबों डॉलर की रकम या तो रिश्वतखोरी या फिर भ्रष्ट तरीकों की भेंट चढ़ जाती है, जिससे कानून के शासन की अहमियत तो कम होती है, साथ ही मादक पदार्थों, हथियारों और लोगों की अवैध तस्करी, हिंसा एवं आतंकवाद को भी बढ़ावा मिलता है। हर साल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने वाले खरबों डॉलर की ये रकम वैश्विक घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के लगभग 5% के बराबर है। इसके कारण राष्ट्रों की समृद्धि से ज्यादा खास खतरे में पड़ी हुई है। आज हमारे कंधे भी इसलिए झुक गए हैं कि भ्रष्टाचार का बोझ सहना हमारी आदत हो गई। भ्रष्टाचार के नशीले एहसास में रास्ते गलत पकड़िए और इसलिए भ्रष्टाचार की भीड़ में हमारे साथ गलत साथी, संस्कार, सलाह, सहयोग जुड़ते हैं। जब सभी कुछ गलत हो तो भला उसका जोड़, बाकी गुणा या भाग का फल सही कैसे आएगा? तभी भ्रष्टाचार से बेहतर दुनिया बनाने के प्रयासों के रास्ते में भारी रुकावट पैदा हो रही है। भ्रष्टाचार निरोध दिवस मनाते हुए दुनिया के कतिपय राष्ट्रों ने ईमानदार शासन व्यवस्था देने का उदाहरण प्रस्तुत किया, जिनमें भारत में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में एक नई चुस्त, दुरुस्त, पारदर्शी, जवाबदेह और भ्रष्टाचार मुक्त कार्य संस्कृति को जन्म दिया। इस तथ्य से चाह कर भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। ना खाऊंगा का प्रधानमंत्री का दावा अपनी जगह कायम है, लेकिन ना खाने दूंगा वाली हुंकार अभी अपना असर नहीं दिखा पा रही। सरकार को भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सख्ती के साथ साथ व्यवहारिक कदम उठाने की अपेक्षा है। पिछले 70 वर्षों की भ्रष्ट कार्य संस्कृति ने देश के विकास को अवरुद्ध किया। आजादी के बाद से अब तक देश में हुए भ्रष्टाचार और घोटालों का हिसाब जोड़ा जाए तो देश में विकास की गंगा बहाई जा सकती है। दूषित राजनीतिक व्यवस्था, कमजोर विपक्ष और क्षेत्रीय दलों की बढ़ती ताकतों ने पूरी व्यवस्था को भ्रष्टाचार के अंधेरे कुएं में धकेलने का काम किया। देखना यह कि अब वास्तव में हमारा देश भ्रष्टाचार मुक्त कभी होगा? यह प्रश्न आज देश के हर नागरिक के दिमाग में बार बार उठ रहा है कि किस प्रकार देश की रगों में बह रहे भ्रष्टाचार के दूषित रक्त से मुक्ति मिले। वर्तमान सरकार की नीति और नियत
दोनों देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के हैं, लेकिन उसका असर दिखना चाहिए। विभिन्न राजनीतिक दल जनता के सेवक बनने के बजाय स्वामी बन बैठे। नरेंद्र मोदी ने इस सड़ी गली और भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने का बीड़ा उठाया और उसके परिणाम भी देखने को मिले। प्रधानमंत्री का स्वयं को प्रधान सेवक कहना विपक्ष के लिए जुमलेबाजी का विषय हो सकता है। लोकतंत्र में लोक विश्वास, लोक सम्मान जब ऊर्जा से भर जाए तो लोकतंत्र की सच्ची संकल्पना आकार लेने लगती है। नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र में लोक को स्वामी होने का एहसास बखूबी कराया, लेकिन प्रश्न ये है कि यही लोग अब तक भ्रष्टाचार के खिलाफ जागृत क्यों नहीं हो रहा। जन जागृत के बिना भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं किया जा सकता। ये बड़ा यथार्थ है कि सरकार की काम करने की नीयत में कोई खोट नहीं दिख रही, या देखा जाए तो नीति, नीयत और निर्णय, ये तीन गुण किसी भी सफल लोकतंत्र व राष्ट्र के उत्तरोत्तर विकास एवं प्रगति के लिए आवश्यक। मोदी सरकार की नीतियों में जन कल्याण, जन सम्मान, राष्ट्र गौरव की नियत और निर्णय स्पष्ट दिखाई देते। देश के सम्मान, समृद्धि और सुरक्षा के संकल्प को हकीकत में बदलने का काम लगभग मोदी सरकार कर रही है। लेकिन एक प्रश्न यहां भी खड़ा है कि भाजपा की प्रांत सरकारें एवं भाजपा के नेता भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए उदाहरण क्यों नहीं बन पा रहे। देखा जाए तो भ्रष्टाचार किसी भी राज्य को कई स्तर पर कमजोर करता है। इसके कारण कामकाज में देरी होती है, इसका असर उत्पादन से लेकर अन्य परिणामों पर पड़ता है। योग्य लोग नजरअंदाज कर दिए जाते हैं और अयोग्य लोगों के हाथों में कमान आ जाती है। भ्रष्टाचार के कारण ही देश में प्राकृतिक संपदा एवं जनधन की लूट होने के आरोप भी लगते रहते। इन त्रासद स्थितियों से सरकार के प्रति नकारात्मक सोच तो बनती ही है, साथ ही आम लोग मानसिक तौर पर कुंठित एवं निराश भी होने लगते हैं। भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ जो माहौल बना वो निश्चित ही एक शुभ संकेत है देश को शुद्ध सांसें देने का, क्योंकि हम गिरते गिरते इतने गिर गए कि भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार बना बैठे। राष्ट्रीय चरित्र निर्माण, नैतिकता, पारदर्शिता की कहीं कोई आवाज उठती भी थी तो ऐसा लगने लगता है कि यह विजातीय तत्व है जो हमारे जीवन में घुस रहा है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए की भांति अब कुछ संभावनाएं मोदी सरकार ने जगाई। इस जागृति से कुछ सबक भी मिले और कुछ सबक भी मिले। इसका पहला सबक तो यही है कि भ्रष्टाचार की लड़ाई चलाने वाले आत्मा से नहीं लड़ी जा सकती। दूसरा सबब है कि कोई गांधी या कोई गांधी बनकर ही इस लड़ाई को वास्तविक मंजिल दे सकता है। एक सबब यह भी है कि कुछ लोगों ने भ्रष्टाचार मुक्ति की आशा करना अंधेरे में सुई तलाशने जैसा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं।